इधर का मशहूर ये है मछली चावल और दाल। बहुत दूर दूर से आते हैं तो इधर मछली चावल के लिए आते हैं। खास बात यह है हमारा खाना 150 में है, आप जितना मरतबा मांगेगा हम देते रहेगा जब तक आपका पेट नहीं भरेगा। इधर टाइट टाइट सालन पकते हैं, खाना मैं बनाता हूँ साफ सुथरा खाना होता है। एक बार जो खा के जाएंगे दोबारा इस जगह में आएंगे और सिराज अहमद का नाम याद रखेंगे। इनकी सब्जी में एक तो ये सब्जी बनाते हैं उसमें झींगा डालते हैं और ज़्यादा मज़ा हो जाता है, ये सब्जी एकदम आउट क्लास हो जाता है। हम तकरीबन बना रहे 6 साल से। हाँ ये सब पहला पुराना है, ये तकरीबन 30-40 साल हो गया है। तो आपके पास ये 6 साल से होटल है? हाँ जी, लोगों को अच्छा लगता है, लोग हमारे पास आता है, पूरा शहर के लोग इधर आता है खाता है और माशाल्लाह बोल के जाता है इंशाल्लाह। खास बात ये है हमारा खाना 150 में है, आप जितना मरतबा मांगेगा हम देते रहेगा जब तक आपका पेट नहीं भरेगा, ये खास बात है। 150 में ये आप 150 में मतलब 150 में वो 10 दफा अगर आपसे मांगेगा तो? हाँ आप खा सकता है, आप 10 दफा देगा उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 11:30-12 बजे तक ये चलता है, होटल बंद नहीं होता है। खाना ये नहीं कि खाना ये दोपहर से 11 बजे से स्टार्ट होता है, खाना रात के 11 बजे तक खाना होता है। मछली इधर ज़्यादातर पे पकता है रोहू मछली, कतला और सोल है, उसके बाद छोटा वाला मछली पकता है, बाम मछली पकता है और तलाबिया पकता है, कसकी मांस पकता है और एक रोहू है, ये छोटा मछली में पकता है। और उसके बावजूद जो है इधर का टेस्ट बहुत अच्छा है, गोश्त होता है गाय का, उसके बावजूद जो सालन पकते हैं इधर टाइट टाइट सालन पकते हैं, खाना मैं बनाता हूँ साफ सुथरा खाना होता है। खाने में इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगा, एक बार जो खा के जाएंगे दोबारा इस जगह में आएंगे और सिराज अहमद का नाम याद रखेंगे। कौन कौन सा मछली आपके पास है? हमारे पास रोहू होता है, कतल मछली होता है, छोटा बड़ा सब मछली होता है। ज़्यादातर इस्तेमाल मीठा पानी का होता है होटल में, और समंदरी और रोटियों में अच्छा लगता है, उबला हुआ चावलों में अच्छा नहीं लगता। तो उबले हुए चावल में कौन सा मछली ज़्यादा? ये रोहू, जैसे कतल हो गया, रोहू हो गया, जैसे वो छोटी मछली हो गया, ये सब। ये सब मीठे पानी की मछली होती है? हाँ मीठे पानी का ज़्यादातर होता है। समंदर की वो भी खा सकता है मगर वो मज़ा नहीं देता है, समंदर सिर्फ रोटियों में मज़ा देता है। अच्छा, रोटी में मज़ा देता है, चावल में नहीं देता? हाँ चावल। इधर का मशहूर ये है मछली चावल और दाल। बहुत दूर दूर से आते हैं तो इधर मछली चावल के लिए आते हैं। मछली तकरीबन 15 से 20 किलो डेली का मैं पकाता हूं और इंशाल्लाह शाम को शॉर्ट हो जाता है, कस्टमर वापसी जाते हैं, मछली मेरे पास होता नहीं है इंशाल्लाह। मछली बता तो ये आपके साथ ही है तो यहीं से खरीद के दोबारा पकाना शुरू कर दूं? जी सर, वो जब सुबह ले आते हैं ना तो उसके बाद जो मछली होता है छाटी हो जाता है तो वो फिर होटल के काबिल नहीं होता चलने के लिए, क्योंकि हम जो ले आते हैं सुबह जैसे गाड़ी आती है नया माल आता है उस टाइम हम लोग ले लेते हैं, अपना पकाने का खाने का स्टम में हो जाता है। 2-4 कस्टमर कभी कभार वापसी चले जाते हैं, नहीं तो इत्तेफाक से हमारा खाना पूरा ही हो जाता है लेबल में। खाने में इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होता है, खाने में मसाला किसी चीज़ का कमी नहीं है। एक बार जो आएंगे दोबारा एक के आएंगे तो 2 बंदा साथ में लेके आएंगे। हम लोग बंगाली है, आप लोगों को पता है हम लोग बंगाली मच्छी चावल ज़्यादा खाता हूँ, शौक से खाता हूँ। यहाँ खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन खाना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ खाने के लिए आता हूँ। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और खाना भी माशाल्लाह इतना जायका खाना है, खाना खा के दिल भरता है, खाना खा के दिल भरता है बंदा। और माशाल्लाह यहाँ अच्छा खासा बंदा आता है, दूर दूर से बंदा आता है खाना खाने के लिए। ये बंगाली पाड़ा यही मच्छी चावल मिलता है, दूसरी जगह पे ये होटल नहीं होते। हम तो लियारी से आए हैं, मच्छी चावल बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ का लजीज होते हैं मच्छी चावल। जैसे यही एक होटल अच्छा होटल है जो खाना अच्छा मिलता है, तो हम आते हैं हर रोज़ आते हैं मच्छी चावल खा के फिर चले जाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, आप भी खा के देखें बहुत अच्छा रहेगा। ये हम लोग यहाँ पर 150 रुपये लेके आते हैं और जितना खाना है खाते हैं हम लोग, खाना पेट भर के खाते हैं और इनके जो टेस्ट होते हैं बहुत लाजवाब होते हैं। और यहाँ पे हम आके पेट भर के खा के भी जाते हैं 150 में जितना खाते हैं।
तीन दवा, चार दवा, पांच दवा हम लोग जितना खा सकते हैं 150 में। इनकी सब्ज़ी में एक तो ये सब्ज़ी बनाते हैं उसमें झींगा डालते हैं और ज़्यादा मज़ा हो जाता है। ये सब्ज़ी एकदम आउट क्लास हो जाता है, तो खाने में बार बार ही खाते हैं हम लोग यहाँ पे आके। तो अब भाई लोग भी अभी खाएंगे खाना, आप देख लेना। मछली चावल खाए तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं खाया गया। हम लोग नागन चुरंगी से आते हैं और हर हफ्ते हम लोग इधर ही नाश्ता करते हैं और इनका नाश्ता अच्छा होता है। चावल, मछली, पराठे, ये अच्छी चीज़ें बनाते हैं और झींगा वगैरह डालते हैं ये सब्ज़ी के अंदर। जायका बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग तकरीबन हर हफ्ते इधर ही आते हैं और सालों से आ रहे हैं इधर। ये खास बात ये है, 150 रुपये से खाना खाता है माशाल्लाह, जितना दफ़ा मांगता है इतना दफ़ा मिल जाता है, इतना दफ़ा ही देता है, माना नहीं करता है। अब एक दफ़ा मंगवाओ, दो दफ़ा मंगवाओ, तीन दफ़ा मंगवाओ, आपको मिल जाएगा। 150 रुपये से अच्छा खासा खाना मिल जाता है, पेट भर के खाना खा सकता है। ये 15-20 बफर जोन से मशहूर है, बंगाली पाड़ा कहलाता है। अच्छा, 15-20 में आएंगे बंगाली पाड़ा पहुँचेंगे। हाँ, बंगाली पाड़ा के सामने ये नहीं कि ये सूफियान होटल है। इधर होटल तो दो हैं, होटल एक आगे है एक इधर है, यानी कि ये होटल का अलग खाना है, उसका अलग है। हर किसी का अपना अपना जायका, अपना अपना तरीका होता है पकाने का, और इधर का पकाने का तरीका और उधर का पकाने का तरीका बहुत फ़र्क है।